लंकेश रावण के वध के साथ ही अन्याय और अत्याचार के एक युग का अंत हो गया, जिसके बाद श्री राम ने विभीषण का लंका के सम्राट के रूप में तिलक किया। श्री राम की इस कृपा से रक्षेंद्र विभीषण अभिभूत हो गए और उन्होंने श्री राम से कुछ दिन लंका में ही निवास करने का आग्रह किया, किंतु श्री राम ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा कि उनके अनुज भरत बहुत अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए शीघ्र अयोध्या लौटना बहुत ही आवश्यक है। विभीषण ने वानर सेना को वस्त्र और आभूषण भेंट किए और तब प्रसन्न वानर सेना जय जयकार करती हुई श्री राम के पास पहुंची। सभी शांत हो जाए, शांत हो जाए। आप सब, आप सब जानते ही हैं कि ये महान युद्ध बिना आप सब के सहयोग के जीता नहीं जा सकता था। इस युद्ध में जहां हमारे एक एक सैनिक की भूमिका रही है, वहीं हमारे कुशल सेनापतियों रक्षेंद्र विभीषण की भी महान भूमिका रही है, और आपके इस सहयोग और समर्पण से प्रसन्न होकर लंकापति विभीषण ने ही आप लोगों में ये भेंट दी है। लंकापति विभीषण की जय! जय! आप सभी ने इस युद्ध में मेरा साथ दिया, मेरे पास आभार प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। हमने इस युद्ध को जीतकर अधर्म पर विजय प्राप्त की है, अनीति और अत्याचार पर विजय प्राप्त की है। इतने दिन से अपना घर द्वार छोड़कर आप सब ने इस युद्ध के लिए कठिन श्रम किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अब अपने अपने घर लौट जाएं और अपनी थकान मिटाएं। नहीं प्रभु, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ प्रभु, आपने हमें इतना स्नेह दिया है कि आपसे बिछड़कर हम कहीं भी रह नहीं सकते। प्रभु, आप ही हमारे सर्वस्व है, आपके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप सबके घरों में आपके प्रियजन आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। विश्वास कीजिए, मैं कभी आप लोगों से अलग नहीं हो सकता। आप जब भी स्मरण करेंगे मुझे अपने पास ही पाएंगे। ठीक है प्रभु, अब हम आपके आदेश का पालन करेंगे। बस आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही होगा। प्रभु श्री राम की जय! इस प्रकार वानर भालू सेना श्री राम की जय जयकार करती हुई लंका से चल पड़ी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता बहुत ही बोझिल मन से इस समर्पित सेना को दूर जाते हुए देखते रहे। अब सुग्रीव सहित श्री राम के सेनापतियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि कहीं उन्हें भी श्री राम वापस जाने के लिए न कह दें। क्षमा करें प्रभु, अब हम सभी को एक ही भय लग रहा है कि कहीं आप हम सबको भी वापस जाने के लिए न कह दें। हम आपसे दूर रहकर नहीं जी सकेंगे प्रभु।
किष्किंधापति सुग्रीव, आपने रीछपति जामवंत, पवनपुत्र हनुमान, नल, नील और अंगद जैसे योद्धाओं के साथ सीता की खोज से लेकर रावण के अंत तक जिस तरह निस्वार्थ होकर मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं आप सबसे कभी भी विलग नहीं होना चाहता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने राज्य को नीति युक्त, धर्म युक्त और प्रजा के लिए सुखदायक बनाए। मैं आपका आशय समझा नहीं प्रभु। सुग्रीव, अयोध्या से लेकर लंका तक की हमने जो यात्रा की है, उससे हम और भी बलशाली हुए। किष्किंधा, लंका और पाताल लोक तक धर्म और नीति के शासन की स्थापना हुई है। अब आप सब शीघ्र अपने राज्य में कार्यभार ग्रहण करें, वहां पर सुशासन की स्थापना करें। प्रभु, किंतु हम सभी आपसे अलग नहीं होना चाहते। पवन कुमार उचित ही कह रहे हैं प्रभु, हम सभी आपके साथ अयोध्या तक तो चलना ही चाहते हैं। बस एक ही कामना है कि हम कौशलपति के रूप में आपका दर्शन करें। हाँ प्रभु, मैं भी आपका राज्यारोहण देखकर ही लंका वापस आऊंगा। श्री राम, सुग्रीव और विभीषण सहित अंगद, नल, नील और जामवंत इत्यादि की इच्छा टाल नहीं सके। सबकी मनोकामना पूरी करते हुए उन्होंने सबको उस विशाल विमान में चढ़ा लिया जिसे विभीषण लेकर आए थे। श्री राम और सीता विमान पर स्थित सिंहासन पर विराजमान हुए और विमान उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। श्री राम ने मार्ग में वे सभी स्थान दिखाए जहां से होकर वे लंका तक पहुंचे थे। चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सबको। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीन्हि सुमन वृष्टि हर्षे सुर। देखो, त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बनाई हुई लंकापुरी कितनी सुंदर लग रही है। पता है सीते, इस नगरी का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। स्वामी, लंकापुरी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मेरे लिए ये एक दुखद स्वप्न की तरह रही है। सीते, रावण को इसी का दंड मिला, और केवल उसका ही नहीं, उसके सभी बंधु बांधवों का भी अंत हो गया। वो नीचे देख, लंका के बहुत से योद्धा यहां पर धराशायी पड़े हुए हैं। उधर सामने राक्षस राज रावण के विशाल शरीर का राख का ढेर पड़ा हुआ है। स्वामी, आपने उस दुष्ट रावण का अंत करके एक महान कार्य किया है। उससे सुर, नर और मुनि सभी आतंकित थे। और सीते, उधर देखो, लंका तक पहुंचने के लिए इस विशाल सागर पर नल नील के सहयोग से हमने ये सेतु निर्माण किया, जिसे सब नल सेतु के नाम से जानते हैं। स्वामी, समुद्र के किनारे ये भीड़ कैसी है? वहां पर लोग क्यों एकत्र हैं? जनक नंदनी, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर मैंने महादेव शिव की स्थापना की थी, और भगवान शिव ने यहीं पर हमें आशीर्वाद दिया था जिससे मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका। स्वामी, इस वनवास के पश्चात अब हमारा नया जीवन आरंभ हो रहा है, इसलिए मेरी कामना है कि मुझे भी महादेव शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी सीते। हम महादेव शिव के दर्शन करने हेतु नीचे ही उतर रहे हैं। देवी सीता भी महादेव के दर्शन का मोह नहीं त्याग पाई। श्री राम भी तो यही चाहते थे, और विमान उस स्थान पर उतरा जहां श्री राम ने महादेव शिव की स्थापना की थी।
वहाँ इस समय मंदिर से शिव स्तुति की ध्वनि आ रही थी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। देखिए प्रभु देखिए, आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने हेतु असंख्य दर्शनार्थी यहाँ पर एकत्र हैं। पवन पुत्र, यही तो महेश्वर शिव की विशेषता है। वे जन जन के देवता हैं, वे आदि देव हैं। उनके मन में छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहता। वे न्याय के देवता हैं। जब तक व्यक्ति न्याय के पथ पर रहता है, शिव उसका साथ देते हैं, और जैसे ही वो पदभ्रष्ट होता है, शिव उसका साथ छोड़ देते हैं। क्षमा करें प्रभु, आज तक मैं इस बात का रहस्य नहीं समझ सका कि आप महेश्वर शिव के भक्त हैं या शिव आपके भक्त हैं। पवन पुत्र, आपके मन में ये प्रश्न क्यों है? इसीलिए प्रभु कि महेश्वर शिव और आप कभी भी एक दूसरे के दर्शनों का अवसर नहीं छोड़ते। हनुमान, आदेश दे माते। कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। आपने उचित कहा माते। और इस तरह लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात श्री राम ने अपने योद्धाओं और देवी सीता के साथ महेश्वर शिव के दर्शन किए। सेतु बंध के समय श्री राम द्वारा स्थापित शिव का ये स्थान सेतु बंध रामेश्वर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। शिव के दर्शन के पश्चात श्री राम का विमान किष्किंधा की ओर उड़ चला। राम जानकी प्रेम सहित महादेव नवायोशीष महातीरथ रामेश्वरम महातीरथ रामेश्वरम धाम बनयो महदीश। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग जाओ। रामा